हेलो एवरीवन, मीनाक्षी मेकोर में आप सबका वेलकम है। आप सब कैसे हैं? होप करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी दो ऐसी हेयर स्टाइल जो कि आप कर सकते हैं किसी पार्टी फंक्शन में, वो भी बहुत इजीली तरीके से और झटपट। तो देखते हैं, फर्स्ट हेयर स्टाइल के लिए हमें क्राउन एरिया से बाल ले लेने हैं इस तरीके से, और एक पोनी बना लेनी है। इस तरीके से आप एक पोनी बना लीजिए। रबर थोड़ी सी टाइट होनी चाहिए आपकी, जिससे आपकी जो हेयर स्टाइल है वो लंबे समय तक चलेगी। तो क्लियर बालों को करते हुए हमें एक रबर बैंड लेना है, उसे 2 से 3 टाइम फोल्ड करना है, जिससे टाइट हो जाएगी पोनी हमारी, और फिर हम इसको टर्न कर देंगे। थोड़ी सी जगह बनाकर बालों में, और इसे हम अंदर की तरफ इसे टर्न कर देंगे, ठीक है। और फिर इसे लूज़ कर देना है फ्रेंड्स, केयरफुली करना है ये हमें। आराम आराम से इसे खींच लेना है बालों को, थोड़ा सा पुल करते हुए, तो ये अलग सा ही लुक आ जाएगा, कुछ फ्लफी फ्लफी सा। बाल आपके चाहे कितने भी कम क्यों ना हो, फिर भी आपके बालों को थोड़ा घना दिखाएगा। हेयर स्टाइल थोड़ा सा फ्लफी फ्लफी सी रहेगी, बहुत सुंदर लगेगी। और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, एक मैं इसके ट्रिक भी बताऊँगी आपको, कहीं आप मिस कर जाएँ स्किप करने से और आपको समझ आ गया। आप म्यूज़िक इन्जॉय कीजिए। आप हमारी कंप्लीट। अब करेंगे हम इसे डेकोरेट अपनी मनचाही हेयर एक्सेसरीज के साथ। आप चाहे तो इसे रियल फ्लावर से भी डेकोरेट कर सकते हैं, या फिर आर्टिफिशियल जो हेयर एक्सेसरीज आती है उनसे भी आप इसे डेकोरेट कर सकते हैं। देख लीजिए कितनी ब्यूटीफुल लग रही है ये हेयर स्टाइल डेकोरेट होने के बाद। आपको ये जो स्टिक्स हैं इसको रबर बैंड के अंदर करना है, जिसे लंबे समय तक सिक्योर रहेंगी और नीचे नहीं गिरेंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे आप अपने फ्रेंड्स में शेयर कर सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, एक लाइक भी दे सकते हैं, ये एकदम फ्री है फ्रेंड्स। और अब चलते हैं अपने सेकंड हेयर स्टाइल पर। तो आपको क्या करना है, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है अपने हेयर को, और एक हाई पोनीटेल बना लेनी है। जो आपका जो बीच का हिस्सा है वो ट्रायंगल शेप में लेना है आपको, और इसे टाइटली सिक्योर कर लेना है इसमें, क्योंकि हम डोनट फिट करने वाले हैं। अब आप इसमें डोनट लगा दीजिए मीडियम साइज का। डोनट को जूड़ा पिन की हेल्प से सिक्योर कर देंगे, क्योंकि जो हमारी हेयर स्टाइल है उसका बेस है ये, हमें बहुत अच्छी तरह सिक्योर करना है इसे, जो लंबे समय तक हमारी हेयर स्टाइल रहे उसके लिए। फिर जो डोनट में बाल है उसमें से छोटा सा एक स्टॉक निकालना है, और आगे से एक लेयर ले लेनी है, और इसे सिंपल जो ब्रीड होती है उसकी तरह पहले हमें करना है, और फिर हमें फ्रेंच जो ब्रीड होती है उसकी तरह इसे तैयार करते हुए नीचे की तरफ जाना है। हमारा जो हैंड है वो हमारे स्कैल्प से ऊपर नहीं होना चाहिए, टच रहना चाहिए हमारे स्कैल्प से, और जो थंब का होल्ड है वो भी हमारा अच्छा होना चाहिए, जिससे हमारी जो चोटी है वो ढीली नहीं होगी और हेयर स्टाइल बहुत अच्छी तरह से निखर के आएगी सामने। आप देख सकते हैं इस तरीके से तैयार हो जाएगी हेयर स्टाइल। ऐसे हम दूसरी तरफ से ब्रीड बनाएंगे, फ्रेंच ब्रीड। जो हमारे डोनट में थोड़े से बाल बचे हैं हम उसमें से थोड़े थोड़े से स्ट्रोक्स लेते जाएंगे और इसे कंप्लीट कर लेंगे।
दोनों ब्लेड को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे डोनट को, क्योंकि हमें कवर करना है यूपिन की हेल्प से, इसे हम सिक्योर कर देंगे। फिर बाद में हमारे जो दोनों ब्लेड्स हैं उनको हम एक तरफ से पुल करते हुए इसको फ्लपी कर देंगे, और ऐसे ही जो दूसरी ब्लेड है उसको भी एक तरफ से हम पुल करेंगे और हम अपने डोनट को इससे कवर कर देंगे। एक दूसरे के अंदर आप इंसर्ट कर दीजिए इन दोनों ब्लेड को, और एक यू पिन की हेल्प से इसको सिक्योर कर दीजिए। छोटे छोटे बेड से आप इसे डेकोरेट कर दीजिए। ये हमारा फाइनल लुक है। अगर थोड़ा बहुत डोनेट विजिबल है तो आप इसे यू पिन की हेल्प से भी सिक्योर कर सकते हैं। ये हमारा फाइनल लुक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।